जानते हैं यूनिवर्स के इस रैपिड एक्सपेंशन के पीछे क्या कारण है? वो है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय बल है जिसे समझना अभी तक हमारे वैज्ञानिकों के लिए काफी मुश्किल है, और इस फोर्स के प्रभाव से यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से लगातार दूर होते जा रहे हैं, और इस वजह से हमारा यूनिवर्स फैल रहा है। और इसीलिए ग्रेट अट्रैक्टर हो या शेपली क्लस्टर या वेला क्लस्टर, मिल्की वे इनके जितना नजदीक आती है ये उनसे उतनी ही तेजी से दूर होते जाते हैं। यानी कि डार्क एनर्जी हर हाल में ग्रेट अट्रैक्टर पर भारी पड़ जाती है, लेकिन ये फोर्स केवल दूर स्थित ऑब्जेक्ट्स पर काम करता है, पास की दूरी वाले ऑब्जेक्ट पर ये फेल हो जाती है। यानी कि ये दो गैलेक्सी क्लस्टर की टक्कर को तो रोक सकती है, लेकिन दो गैलेक्सीज पर इसका कोई असर नहीं होगा। और इसका सीधा सा मतलब है कि आज से लगभग 450 करोड़ साल बाद हमारी गैलेक्सी एंड्रोमेडा नाम की गैलेक्सी से टकरा जाएगी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी से लगभग 25 करोड़ लाइट ईयर दूर है, लेकिन ये हमारी गैलेक्सी क्लस्टर का एक हिस्सा है, इसीलिए इस पर डार्क एनर्जी का कोई असर नहीं होगा। और इस टक्कर के बाद धरती का क्या होगा ये तो अभी हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, आशा करते हैं अंतरिक्ष की ये अजीब और गरीब जानकारी आप सबको कुछ नया सिखा गई होगी। ये अंतरिक्ष बहुत वास्ट है, बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, इसका अब तक कोई छोर मिल नहीं सका है दोस्तों। और हमारे पास कोई भी ऐसा टेलीस्कोप या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो अंतरिक्ष के छोर को खोज सके, क्योंकि जहां पर हमारी दूरबीनें देखना बंद कर देती हैं उसके पार भी अंतरिक्ष है। ये बात हम इंसानों को मालूम चल चुकी है। कितना बड़ा है अंतरिक्ष हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते।